इट्स रेनिंग टैब्स। टैबलेट्स की बाजार में स्मार्टफोन्स की तरह आ रहा है रेवोल्यूशन। तो देखते हैं लो कॉस्ट टैबलेट्स की बाढ़ में कौन है किससे आगे। लेट्स चेक देम आउट इन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट। विभा, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर चाहे वो सब्जियां हो या फिर ग्रोसरी, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल, और जहां तक खाली सब्जियों की ही नहीं, खाने पीने का सामान ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए। बिल्कुल, कहीं भी आने जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि इतने किलोमीटर जाने पे आखिर कितना पेट्रोल खर्च होगा। जहां पर आना जाना इतना महंगा है, वहीं पर एक जगह पर बैठ पूरी दुनिया की सैर करना है आसान। कैसे? यहाँ सब्जी नहीं, हम बात कर रहे हैं टैबलेट्स की। बिल्कुल, और ये कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो 20-30 हज़ार रुपए की नहीं है, बल्कि है 5 से 10 हज़ार की रेंज में, यानी कि लो कॉस्ट टैबलेट्स। बिल्कुल, सबसे पहले इन लो कॉस्ट टैबलेट्स के नाम और उनकी कीमत पर नजर डाल लेते हैं। अब बारी है ये जानने की कि कौन से स्पेसिफिकेशंस इनमें कॉमन है। सभी टैबलेट्स एंड्रॉइड के 4.0 OS यानी आइसक्रीम सैंडविच पर बेस्ड हैं। जहां तक प्रोसेसर का सवाल है तो सभी टैबलेट्स में 1 GHz या उससे ऊपर का प्रोसेसर मिलेगा। सभी टैबलेट्स 7 इंच के स्क्रीन साइज वाले हैं। रेजोल्यूशन की बात करें तो बारिंग Zen UltraTab A100 सभी टैबलेट्स का रेजोल्यूशन 480x800 पिक्सल्स है। HCL MIUI 1, Zen UltraTab, Lava eTab Z7H, Swipe 3D Live Tab, चैंपियन डब्ल्यू टैब 7.2 और कार्बन स्मार्ट टैब 1 में है 512 MB रैम, वहीं जिंक Z990 प्लस में है 1 GB रैम। टैबलेट्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन लो कॉस्ट टैबलेट खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें ये भी जानना जरूरी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि हमने देखा है कई सारे जो लो कॉस्ट टैबलेट्स जो हमारे पास रिव्यू के लिए आते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती कि अगर एक बार वो गिर जाए तो बिल्कुल टैबलेट पूरा बिखर जाता है, या फिर आप जब उसे पकड़ते हैं तो कई बार वो क्रीकिंग की साउंड करता है, डिस्प्ले हिलता है थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कई सारे टैबलेट्स ऐसे हैं कि जिसमें आप एक अपना डेटा कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप वो फीचर देखिए, क्योंकि मोस्टली इन टैबलेट्स में सिम कार्ड स्लॉट नहीं होता, तो अगर आपको बाहर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए या अगर आपके पास वाईफाई नहीं है कहीं पे, तो आप वो फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहां तक कैमरा क्वालिटी की बात है तो इन लो कॉस्ट टैबलेट्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर भी मेगापिक्सल्स की इस रेस में कार्बन स्मार्ट टैब 1 और स्वाइप 3D लाइव टैब अपने 2 MP फ्रंट कैमरा से बाजी मार ले जाते हैं, जबकि HCL MIUI 1, Zinc Z990 Plus, Lava eTab में 0.3 MP का और Zen UltraTab में 1.3 MP का कैमरा है। अच्छे कैमरा के साथ जरूरी है टैबलेट का अच्छा स्क्रीन रेजोल्यूशन और बढ़िया ऑडियो क्वालिटी, तभी तो वीडियोस देखने में मजा आएगा। तो इन टैबलेट्स में वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के मामले में ये है हमारी स्टार रेटिंग्स। बार बार चार्जिंग किसे अच्छी लगती है, लेकिन टैबलेट्स में वीडियोस हो या गाने सुनना, अच्छी बैटरी लाइफ बेहद जरूरी है। यहाँ पर कार्बन स्मार्ट टैब 1 बाजी मार ले जाता है विद अ मैक्सिमम बैटरी ऑफ 3700 mAh। अच्छे OS प्रोसेसर्स इन टैबलेट्स को कितना संभाल पाते हैं ये भी जानना जरूरी है। टैबलेट्स में ऑलमोस्ट सेम डेटा डालने के बाद ये है इनके बूट टाइमिंग्स। यहाँ बाजीमारी लावा के eTab Z7H ने और इससे महज 1 सेकंड पीछे है चैंपियन का WTab 7.2। कनेक्टिविटी के लिहाज से वाईफाई सभी टैबलेट्स में है, लेकिन ब्लूटूथ किसी में भी नहीं है। वहीं HDMI पोर्ट सिर्फ कार्बन के स्मार्ट टैब 1 में ही है, लेकिन USB पोर्ट सभी टैबलेट्स में है।
चलिए बात करते हैं कि कौन सी टैबलेट में हमें क्या खास बात लगी। सबसे पहले स्वाइप 3D लाइफ टैबलेट की बात करते हैं, तो ये पहला ऐसा टैबलेट है जिसमें 3D डिस्प्ले और इसके साथ ही 3D ग्लासेस भी दिए जा रहे हैं, सो दैट यू कैन एंजॉय 3D गेमिंग एंड 3D वीडियोस। और इसका 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बाकी टैबलेट से बेहतर है। चैंपियन WTAB 7.2 भी पीछे नहीं है। सबसे कम रेंज में आने वाले इस टैबलेट की सबसे बड़ी USP इसकी कीमत ही है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन भी हमें अच्छा लगा। कार्बन स्मार्ट टैब 1 के फीचर्स की बात करें तो इसमें है 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है वो बाकी टैबलेट से सबसे बेहतर है। इसका एक और फीचर जो हमें अच्छा लगा वो है इसका 3DG सेंसर और साथ ही इस टैबलेट में HDMI पोर्ट भी दिया गया है। एक और खास बात ये है कि यहाँ कंपनी ने दावा किया है कि सितंबर में आप अपने स्मार्ट टैब 1 को जेली बीन यानी एंड्रॉइड 4.1 में अपग्रेड कर सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो लावा ई टैब का डिजाइन काफी बोल्ड और रोबस्ट है जो इसे देखने में काफी स्मार्ट बनाता है। वहीं HCL MIUI 1 की बिल्ड क्वालिटी हमें अच्छी लगी और इसमें फुल USB पोर्ट है। जिंक Z990 प्लस की वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, उसके साथ ही इसमें मिनी HDMI पोर्ट भी दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है Zen UltraTab A100 जिसमें प्री लोडेड एप्स हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, BSE, NSE, सेंसेक्स या डॉक्यूमेंट्स टू गो। मोबाइल